नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसा गोंडा के पास जिलाई रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के पटरी से उतरते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोग घबरा कर चिल्लाने लगे। रेलवे विभाग ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई और घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच का बुरा हाल हो गया है और ट्रेन के रुकते ही यात्री बाहर निकलने लगे। 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक जाती है। गुरुवार को रात 11:39 पर चंडीगढ़ से रवाना हुई यह ट्रेन। जिलाई स्टेशन के पास पहुंचते ही अचानक तेज आवाज और हिलने लगी। इसके बाद ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। घटना की सूचना तुरंत रेलवे विभाग को दी गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे के बाद यात्रियों में भय और अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। सुरक्षा कर्मी और अन्य कर्मचारियों ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल का दौरा करने के लिए और यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को उनकी आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम का भरोसा दिलाया है और सभी घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। यह 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं, यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी, ऐसा सुनने में आया है।